आया है, माता ने बुलाया है। आज माँ के आशीर्वाद से, माँ के आदेश से, हम आप लोगों के माध्यम से माँ के भक्तों को आज एक खुला आमंत्रण दे रहे हैं कि वो आए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारी जो 41वीं छड़ी यात्रा है, जो श्री माता वैष्णो देवी के लिए 14 अक्टूबर को रवाना होगी, उसका हिस्सा बने। देखिए, 14 अक्टूबर को जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से शिवसेना की 41वीं छड़ी यात्रा रवाना की जाएगी। इस यात्रा का स्वरूप जो है वो पौराणिक होगा, यानी जम्मू के मंदिरों से शोभा यात्रा के रूप में दर्शन करते हुए हम निकलेंगे। मुख्य बाजारों के बाद हमारी छड़ी यात्रा पहला जो दर्शन जिसको कहा जाता है, जो पौराणिक स्वरूप के अंदर जो पहला दर्शन है, कौल कंडोली जो नगरोटा के अंदर स्थित है, वहाँ पर जो है छड़ी पूजन किया जाएगा, माँ के दर्शन किए जाएंगे। उसके बाद दूसरा दर्शन देवा माई जाया जाएगा। देवा माई से हम धर्म नगरी जो है वो कटरा पर पहुंचेंगे, जहां पवित्र छड़ी यात्रा और अखंड ज्योत को जो है आगे के सफर के लिए रवाना किया जाएगा। उसके बाद बाण गंगा चरण पाद का अध कुंवारी होते हुए माँ के दरबार पहुंचेंगे। यहां पर शुभ नवरात्रे के पहले दिन जो कि 15 अक्टूबर को रहा, माँ के जो है वहां दर्शन किए जाएंगे पवित्र गुफा के अंदर, जहां पर पिंडी स्वरूप के अंदर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली जो है वहां पर स्थित है, उनके जो है दर्शन किए जाएंगे। उनके चरणों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर अमन बहाली की, देश में भाईचारा कायम करने की, आर्थिक उन्नति की, आप सब जनता के स्वस्थ रहने की और उसके साथ ही सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाएगी। उसके इस यात्रा के लिए आप सब लोगों के माध्यम से मैं जनता को खुला आमंत्रण देना चाहता हूं, आए, इस यात्रा का हिस्सा बने और माँ का आशीर्वाद लें। इस यात्रा में जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, तमाम जो है माँ के भगत शिव सैनिक इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं और यात्रा के अंदर माँ का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।